पान के ये टोटके बड़े कमाल के हैं, कार्यों में दिलाते हैं सफलता, हनुमान जी भी होते हैं प्रसन्न। ज्योतिष शास्त्र में पान के पत्ते से जुड़े उपाय और टोटके बहुत कारगर माने जाते हैं। पान के पत्ते न सिर्फ कार्यों में सफलता दिलाते हैं बल्कि इससे हनुमान जी की कृपा भी मिलती है। किसी भी पूजा पाठ में पान के पत्ते का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पान के पत्ते को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि देवताओं ने समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते से भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब से ही पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पान के पत्ते से जुड़े उपाय और टोटके बहुत कारगर माने जाते हैं। पान के पत्ते ना सिर्फ कार्यों में सफलता दिलाते हैं बल्कि इनके इस्तेमाल से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। मनोकामना पूर्ति हेतु पान के उपाय। पान के उपाय से भगवान हनुमान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसके लिए हर मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान करके मंदिर जाएं। भगवान बजरंग बली को अच्छे से बनाया गया पान का बीड़ा अर्पित करें। मान्यता है कि हनुमान जी को बीड़ा अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की परेशानियों का बेड़ा उठाते हैं। नजर दोष दूर करता है पान। पान के पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है। यह नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो पान के पत्ते से नजर उतारी जा सकती है। इसके लिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिलाने से नजर दूर दोष दूर होता है। भगवान शिव को अर्पित करें पान। विशेष पान के अर्पण से भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पान में गुलकंद, सुपारी का बुरादा, सौंफ और कत्था डालकर भोले शंकर को अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भोलेनाथ की कृपा बरसती है। रविवार के दिन पान का पत्ता घर से बाहर निकलने से रुके हुए सभी कार्य धीरे धीरे संपन्न होने लगते हैं। व्यवसाय बढ़ाने के लिए पान के उपाय। शनिवार के दिन 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्ते साबुत डंडेदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरो दे। अब इसे दुकान में पूर्व दिशा की ओर बांध दे। ऐसा लगातार कम से कम 5 शनिवार तक करना। इसके बाद पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित कर दे। ऐसा उपाय करने से व्यवसाय बढ़ता है। रोग मुक्ति के लिए पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास माना जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन 11 पान के पत्ते लेकर उन पर लाल चंदन से राम नाम लिखें और पीले या लाल धागे से उनकी एक माला बनाकर हनुमान जी के गले में धारण करवा दें एवं रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। व्यवसाय में बरकत के लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो शनिवार के दिन 5 पान के साबुत पत्ते लेकर एक ही धागे में बांध दें। इसे धागे को अपनी दुकान में पूर्व दिशा में बांध दें। हर शनिवार को यह पत्ते और धागा बदल दें। पुराने पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में आ रही बाधा दूर होती है। मधुर दाम्पत्य के लिए यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता है तो
शुक्रवार के दिन पान के एक पत्ते में 7 गुलाब की ताजा पंखुड़ियां रखें और इसे माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकती हैं तो घर में ही लक्ष्मी जी की तस्वीर के पास इसे रखें, लेकिन ध्यान रहे इस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। यह उपाय कम से कम 4 शुक्रवार तक आजमाएं। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच का प्रेम बढ़ जाए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SN Voice को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।